everyone. In this video, we'll study about the kite. Now, kite is also a type of quadrilateral. Kite bhi ek type ka quadrilateral hi hota hai. This is also having four. This figure is also having four sides and it is a closed figure. So any closed figure जो कि four sides से बनी होती है वो क्या होती है? Quadrilateral होती है. So kite भी एक quadrilateral है. So there are few basic properties of a kite जिसकी वजह से इसका नाम kite रखा गया है. So let us have a look at the properties of a kite. So before having the look at the properties of a kite, क्या हम एक kite को बना के देख लेते हैं पहले? This is that kite only जो कि हम fly करते हैं, वही वाली kite है ये. This is the figure of a kite. हम इसका नाम रख देते हैं A, B, C and D. Kite के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि टू कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. टू कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. आर इक्वल भी कह सकते हैं और कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हैं. इक्वल और कॉन्ग्रेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं. काफी जगह इक्वल लिखा मिलेगा, काफी जगह कॉन्ग्रेंट लिखा मिलेगा. सो दिस इज सेम थिंग. तो ये जो दो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड है, दो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड कौन से हुए? एक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड ये वाला हो गया, मींस लगातार. एक तो ए बी और ए डी जो है ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है साइड. और जो बी सी है और सी डी है ये दोनों साइड क्या हो गई, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई. तो वी कैन राइट इट एज ए बी इज इक्वल टू ए डी. ये दोनों आपस में इक्वल हो गई. एक कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स तो यही हो गया और जो दूसरा है वो बी सी इज इक्वल टू डी सी हो गया. बी सी इज इक्वल टू डी सी. तो ये हो गए दो कंसेक्यूटिव पेयर. एक पेयर तो ये वाला हो गया और दूसरा पेयर ये वाला हो गया. पेयर में हमेशा दो ही रहते हैं, तो वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. तो ये हो गया टू कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. अब बात आती है डायगोनल्स. डायगोनल्स डायगोनल्स क्या हो गया? अगर मैं दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं तो दे विल फॉर्म अ डायगोनल. मैं क्या कर रही हूं, ए सी को और बी डी को आपस में ज्वाइन कर देती हूँ. ए सी और बी डी, तो डायगोनल्स क्या हो गए? ए सी और बी डी हो गए. तो डायगोनल्स जो है इसके इक्वल नहीं होते हैं, वो क्लियरली दिख भी रहा है फिगर से और होते भी नहीं. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. काइट के डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते. तो हम क्या लिखेंगे, ए सी जो है बी डी के इक्वल, इक्वल को कट कर देते हैं, मीन्स नॉट इक्वल है. ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं होते हैं. लेकिन इसका ये जो डायगोनल होता है, ए सी जो है वो बी डी को बाइसेक्ट करता है. ए सी जो है वो बी सी को, बी डी को डायगोनल करता है. डायगोनल ए सी बाइसेक्ट बीडी. ये जो ए सी डायगनल है ये बी डी को बाइसेक कर रहा है. कहने का मतलब है कि ये जो साइड है, हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ लिख देते हैं. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे ये दोनों डायगनल्स आपस में कट कर रहे हैं, इसका नाम हमने ओ रख दिया. और जो बी ओ और ओ डी है ये क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए. तो ये जो बड़े वाला डायगनल है इस छोटे वाले डायगनल को क्या कर रहा है, बाइसेक कर रहा है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो हम इसको लिख सकते हैं बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. क्या हो गया, ये बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. इसके बाद आती है बात, अब हम देख सकते हैं इस काइट के अंदर दो ट्राइंगल्स बन गए. एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी और एक ट्राइंगल हो गया बी सी डी. दो ट्राइंगल हो गए. अब हम देख, हमें दिख रहा है साफ साफ कि इस वाले ट्राइंगल की ये दोनों साइड इक्वल है. और ऐसा ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात क्या है, जो दोनों साइड इक्वल होती है वो जिस बेस के ऊपर होती है वो दोनों बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. मींस ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इस वाले ट्राइंगल में, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हो गया क्योंकि इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये वाली इस वाले बेस के ऊपर बनी हुई है, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. तो इट इम्प्लाइज दैट ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये इस वाले पूरे एंगल के इक्वल हो गया. हम ऐसा कह सकते हैं जो ए बी सी है
एंगल ए बी सी है वो एंगल ए डी सी के इक्वल हो गया, ये इंडिविजुअल एंगल ये वाला तो इस वाले के इक्वल हो ही गया और ये वाला इस वाले के इक्वल हो गया। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, और ये पूरा मिला के क्या हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्स की जगह कुछ डिग्रीज भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ये 30 है तो ये भी 30, ये 50 है तो ये भी 50। सिमिलरली आई एम राइटिंग इट विद द वेरिएबल, आई एम डिनोटिंग इट विद वेरिएबल, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, और ये वाला नीचे वाला वाई है तो ये वाला भी वाई हो जाएगा, और ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल मिला के हो जाएगा मेरा, ये वाला पूरा मिला के हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये इधर भी पूरा एंगल मिला के क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो मीन्स ये पूरा एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ इसको, इसको क्या कह सकती हूँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इसको मैं ये कह सकती हूँ। और इसको कहने से पहले हम इसको एक बात और लिख लेते हैं, इसके इंडिविजुअल एंगल्स को भी इक्वल शो कर देते हैं, इंडिविजुअल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये जो ए बी ओ है, एंगल ए बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी ओ के, ए डी ओ के। और ये जो ओ बी सी है ये इक्वल हो जाएगा ओ डी सी के। तो इससे इससे क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज दैट जो ए बी सी है ये वन है ये टू है, क्या करेंगे एडिंग 1 and 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। तो ये रिजल्ट हमारा काइट में निकल कर आया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये दोनों एंगल्स का तो समझ में आ गया, अब ये वाला जो डायगनल है ये इस वाले डायगनल को तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता ही है, लेकिन ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल ए है और ये वाला जो एंगल सी है, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। हम इसको लिख लेते हैं, डायगनल कौन से वाला डायगनल, ए सी, डायगनल ए सी बाइसेक्ट बोथ एंगल ए एंड सी, बोथ एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी जो है हमारे वर्टेक्स एंगल्स हैं, वर्टेक्स एंगल्स हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो ये जो डायगनल है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, बी ए ओ is equals to angle DAO. दूसरा क्या हो गया हमारा, BCO is equals to DCO. तो क्या किया, ये जो हमारा डायगनल है इस वाले डायगनल को भी दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो दोनों वर्टेक्स एंगल्स हैं इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। मींस तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल वर्टेक्स एंगल है और ये वाला एंगल भी क्या है, वर्टेक्स एंगल है, और ये जो दोनों हैं ये वाला और ये वाला ये होते हैं हमारे नॉन वर्टेक्स एंगल, नॉन वर्टेक्स एंगल। तो काइट के अंदर दो तरीके के एंगल्स होते हैं, एक तो ये ऊपर नीचे वाले वर्टेक्स एंगल और ये वाले कौन से हो जाते हैं, नॉन वर्टेक्स एंगल। अब आती है बात, ये जो डायगनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ये जो डायगनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं
यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, मीन्स ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब ये 90 हो गए तो ऑटोमेटिकली ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब 90 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सब किसके इक्वल हो गए, ए ओ बी ए ओ डी डी ओ सी सी ओ बी, ये सब कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो जो डायगनल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मींस एक दूसरे को जिस जगह पे वो कट करते हैं वो वहां पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। वी हैव इंक्लूडेड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट हियर। थैंक यू ऑल।